एक अज्ञात बीमारी ने इक्वेटोरियल गिनी में हड़कंप मचा रखा है। इस बीमारी के कारण रक्तस्रावी बुखार से कम 8 लोगों की मौत के बाद इक्वेटोरियल गिनी ने 200 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है, साथ ही मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मितोहा अनोडोई अयाकाबा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। अयाकाबा ने कहा है कि 7 फरवरी को इस संक्रमण की सूचना पहली बार मिली थी और प्रारंभिक जांच में मौतें उन लोगों से जुड़ी थी जिन्होंने एक अंतिम संस्कार समारोह में भाग लिया था। सरकार ने पड़ोसी देश गैबोन को जांच के लिए सैंपल भेजे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उन 2 लोगों के आसपास आवाजाही प्रतिबंध कर दिया है जहां इस बीमारी का प्रकोप पाया गया है, साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी है। 200 से अधिक लोग जिनमें अब तक कोई लक्षण नहीं दिख रहा है उनको क्वारंटाइन किया गया है। यह एक प्रकार का रक्तस्रावी बुखार है। अयाकाबा ने टेलीफोन पर न्यूज एजेंसी राइटर को बताया कि हम लस्सा और इबोला जैसे रक्तस्रावी बुखार को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वेटोरियल गिनी के पड़ोसी देश कैमरून ने शुक्रवार को इस अज्ञात बीमारी को पता लगाने के बाद अपनी सीमा में आवाजाही को प्रतिबंध कर दिया। कैमरून के स्वास्थ्य मंत्री मेलाची मनौदा ने एक बयान में जानकारी दी है। मनौदा ने एक बयान में कहा है कि कैमरून ने इस बीमारी के इंपोर्ट को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया है। मनौदा ने कहा है कि जांच चल रही है और WHO और अटलांटा सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के विशेषज्ञों के समर्थन से इस बीमारी की निगरानी को मजबूत किया गया है। कैमरून के एक जिला स्वास्थ्य प्रमुख नगु पंकम रोलैंड ने एक बयान में कहा है कि अज्ञात बीमारी के लक्षण नाक से खून आना, बुखार और जोड़ों के दर्द है जो कुछ घंटों के भीतर ही मौत का कारण बन जा रहा है। WHO के एक प्रवक्ता ने कहा है कि एजेंसी ये पता लगाने के लिए सैंपल्स के टेस्ट का समर्थन कर रही है कि मौत का कारण क्या है और कुछ दिन के भीतर इसके नतीजे आने चाहिए। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में कोरोना वायरस ने दुनिया भर में जो तबाही मचाई है उसके बाद से किसी भी वायरस या संक्रमण की जानकारी डरा दे रही है।